हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिल्मोरा 11 का ट्यूटोरियल करवाऊंगा कि आप कैसे फिल्मोरा 11 में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने फिल्मोरा 11 डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना। तो मैं फिल्मोरा 11 को ओपन करता हूँ, तो मैंने ओपन कर लिया, ओपन हो चुका है। तो ओपन होने के बाद जैसे आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। वीडियो एडिटिंग के बाद पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसा मैं तो डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। तो इधर ये मैंने एक व्लॉग बनाया था, तो ये मैं व्लॉग वाली वीडियो इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इंपोर्ट कर ली है, यहाँ देख सकते हैं वीडियो चल रही है। तो इधर से मैं इस ये वाले वीडियो को एडिट करूँगा। और सबसे पहले इधर आप देख सकते हैं कि इधर ये स्टॉक मीडिया है, ये स्टॉक मीडिया है। इधर से आप ये देख सकते हैं, इधर से आप ये स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं, गिफ्ट लगा सकते हैं। तो इधर से ये लगा सकते हैं और इधर ऑडियो से और गाने वगैरह लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने गाने हैं। इधर से टाइटल पर भी आप कोई सा भी टाइटल लगा सकते हैं, जैसे ट्रांजिशन पर भी आप ट्रांजिशन लगा सकते हैं। बहुत से इफेक्ट हैं, इधर इफेक्ट भी आप लगा सकते हैं। इधर एलिमेंट भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा एलिमेंट है। इधर स्प्लिट स्क्रीन का भी आप लगा सकते हैं। तो इधर से मैं इधर क्लिक करता हूँ ट्राई करने पर, तो इधर से पिक्सल वगैरह में ये उठा लेता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हैं ये वाला जैसे डाउनलोड हुआ है। तो थोड़ी सी मैं आगे करता हूँ वीडियो को चला के। तो ये वीडियो मैं चला के एडिट कर रहा हूँ, जैसे इधर से मैं ये वाला लगाता हूँ। 15 मिनट लेटर आपने इधर ऐसे लगा लेना। तो इधर से ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। ओके 15 मिनट लेटर, तो इधर से फिर स्टार्ट हो गई है। तो ये वाला मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इधर से मैं ये वाले ट्रांजिशन डाउनलोड कर लेता हूँ, इधर से लगा लेता हूँ कोई से भी। इधर से मैं ये वाले लगा लूँगा कोई से भी। अभी मेरा नेट स्लो चल रहा है इसलिए ये ऑन नहीं हो रहे। तो ये ऐसे ये ऑडियो है, ये देखें जैसे मैं कोई भी ऑडियो ये वाला जैसे लगा लेता हूँ। आपने इस पर डबल क्लिक करके ऐसे नीचे ले आना है। नीचे लाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ऑडियो भी साथ चल रहा है। तो इधर से मैं इधर से जीपी पर क्लिक करता हूँ, गिफ्ट इधर गिफ्ट आ गए हैं, स्टिकर आ गए हैं। इधर से आप कोई भी सर्च करके लगा सकते हैं, जैसे मैं इधर लिखता हूँ 5 आवर लेटर। मैंने इधर लिख लिया तो आ जाता है ये, आप देख सकते हैं 15 मिनट वाला आ चुका है। तो इधर से ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आ चुके हैं। तो जैसे अभी मैं इन्हें डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इधर से ये टाइटल है, आप इधर से टाइटल कोई वैसा भी लगा सकते हैं, जैसे ये वाला टाइटल मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इधर से डाउनलोड
मेरे पास पड़े हुए हैं ये, लेकिन ये सही नहीं है। जैसे मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ और इधर से ट्रांजिशन भी आप जो है वो डाउनलोड कर के लगा सकती हैं। जैसे मैं इधर से दो तीन डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करने के बाद मैं बाद में निकालूंगा। इधर से ये इफ़ेक्ट्स भी आ गए हैं, आप इधर से कोई सा भी इफ़ेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। जैसे ये वाला मैंने डाउनलोड किया, ये आप देख सकते हैं, ये वाला इफेक्ट मैं इधर लगाता हूँ। तो ये वीडियो चला के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे की वीडियो चलती है। तो ये देख सकते हैं कि इफेक्ट ये वाला लग चुका है, आप इधर से कोई और भी इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं जैसे ये वाला नीचे ये वाला इफेक्ट लगाता हूँ, आपने ऐसे लगा लेना। तो ये आप देख सकते हैं कि इफेक्ट लग चुका है, आप और भी कोई लगा सकते हैं। जैसे ये वाला, ये वाला लगा ले, ये आप देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट भी लग चुका है। आप इधर से कोई सा भी इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। जैसे ये वाला मैं ये वाला लगाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि इफेक्ट लग चुके हैं। तो इससे आप कोई भी और भी डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। इधर से एलिमेंट है, ये आप सब्सक्राइब बटन है, जैसे ये वाला मैं इधर लगाता हूँ, ये अभी डाउनलोड नहीं हुआ तो वो डाउनलोड हो जाता, तो फिर मैं लगाता हूँ इधर से। आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है, इधर से मैं क्रॉस कर देता हूँ तो इधर डाउनलोड हो रहा है। तो इधर से स्टॉक मीडिया पर आ जाता हूँ, स्टॉक मीडिया इधर से मैंने आइडिया शाइडिया भी लगा लिया है। इधर से ये डाउनलोड हुआ है, इधर से ये वाले आ चुके हैं, तो ये वाले मैं लगा लेता हूँ। अभी लग नहीं रहे, थोड़े से नेट मेरा स्लो हुआ इस टाइम, हो चुके हैं यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये वाला मैं इधर लगाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो चुका है, तो इधर लग भी गया। आप इधर अंदर इसमें तस्वीर लगाता हूँ, जैसे इधर से कोई मैं इमेज उठा लेता हूँ। जैसे इधर मेरे पास इमेज कोई पड़ी होगी, देखता हूँ ये पिक्चर पे, पिक्चर से मैं ये वाली इमेज उठा लेता हूँ, इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इधर से मैं ये लगा लेता हूँ, एलिमेंट पे ये वाली पिक्चर नहीं है लगनी, तो इसे ये इफेक्ट है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इधर से मैं आ जाता हूँ, ये इफेक्ट लग चुका है, यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरी वीडियो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मैं आपको अब पूरी वीडियो दिखाता हूँ, अभी एडिट और कर लेते हैं थोड़ी बहुत। इधर से यहाँ देख सकते हैं कि इफेक्ट वगैरह लग चुका है, तो जैसे ऑडियो भी आप देख सकते हैं लग चुके हैं। इधर से ये वाला टाइटल हमने डाउनलोड के लिए रखा था, तो ये टाइटल भी हम हमारा डाउनलोड हो रहा है। हाँ है, तो जैसे इफेक्ट ये एलिमेंट डाउनलोड हो चुके हैं हमारे। जैसे ये आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब वाला हम इधर लगा लेते हैं, इधर थोड़ा सा हम लगा लेते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं सब्सक्राइब वाला एलिमेंट जो है वो लग चुका है। हम इधर स्क्रीन को इधर से हम छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर देता हूँ, तो आप क्रॉप कर लेंगे इधर से, तो मैं इसे इतना रहने देता हूँ।
ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये आ चुका है। जैसे आप जैसे ये वाला मैं लगा लेता हूँ सब्सक्राइब वाला एलिमेंट, तो ये आप देख सकते हैं ये भी लग चुका है सब्सक्राइब वाले। तो जैसे स्प्लिट स्क्रीन भी है, ये भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। जैसे ये वाला इधर स्टिकर है गिफ्ट, तो मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ और इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ये भी डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसे लगा लेंगे। जैसे ये वाला टाइटल डाउनलोड हो रहा है, तो ये वाला टाइटल डाउनलोड करने के बाद इसे आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा टाइटल हैं, 811 टाइटल। तो ये नीचे आप करते जाएंगे तो ये अभी लोडिंग हो रही है। इधर बहुत 500 टाइटल इधर है, व्हाट्स न्यू पे 2257 टाइटल है, 2300 ही तकरीबन हो चुका है इधर टाइटल। आईडियो भी आप देख सकते हैं 500 आईडियो, 1100, 4300। इससे साउंड इफेक्ट भी है आईडियो भी। तो ये वाला स्टक मीडिया पे, ये वाले मैंने हैप्पी बर्थडे वाला भी, ये वाला भी आ चुका है। तो ये डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इधर डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको उतनी देर में वीडियो पूरी दिखा देता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं मैंने वीडियो ऑन कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं, आप इधर से लाइन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं कि मैं लाइन को छोटा कर रहा हूँ, आप इतना छोटा कर सकते, चाहे उतना छोटा आप कर सकते हैं। तो जैसे आप ये एलिमेंट वगैरह कस्टम टूल बार, तो इधर से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं इधर सबमिट कर देता हूँ, ये इधर से मैंने सबमिट कर दिया थोड़ी सी, तो इधर सबमिट करके आप टाइटल वगैरह भी लगा सकते हैं। जो भी आपने सबमिट करके लगाना हो वो इधर से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फाइबर रिलेटेड मैंने इधर डाउनलोड किए थे थोड़े से, ये इफेक्ट पर क्लिक करके इफेक्ट भी ये आप लगा सकते हैं, लगाने हैं। ये वाला डाउनलोड हो रहा है अभी। यहाँ देख सकते हैं वीडियो पूरी चल रही है, आप इसे छोटा बड़ा भी जूम कर सकते हैं, जूम करके आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन का साइज भी आप जो है वो फुल वगैरह जैसे कर सकते हैं। जैसे ये वाला ऑप्शन क्वालिटी डिस्प्ले सेटिंग का, ये कैमरे वाला ऑप्शन है। जैसे वॉइस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ये वॉइस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे। तो इधर से आप स्क्रीन इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। जैसे साइज आप इसका बड़ा कर सकते हैं, जैसे ये वाला साइज इसका बड़ा हो चुका है। तो ये वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। तो अभी भी आप देख सकते हैं जैसे आप साउंड वगैरह भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इधर से साउंड लगा सकते हैं, जैसे साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, साउंड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसे प्ले बैक भी कर सकते हैं, साउंड रिव्यू। तो इसे हम बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद इधर से ये वाला इफेक्ट हम इधर लगा लेते हैं। जैसे लगाते हैं यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला इफेक्ट भी लग चुका है इधर। जैसे इसको इधर थोड़ी आगे ले आते हैं, इधर ये वाला इफेक्ट मैंने लगा लिया। तो अब इसको मैं ये आप देख सकते हैं कि ये वाला भी इफेक्ट लग चुका है। तो आप इधर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट वगैरह आप इधर से लगा सकते हैं। और भी ये देख सकते हैं कि ये वाला डाउनलोड हो चुका है। इधर से आप ये आप देख सकते हैं कि आप लगा सकते हैं। इधर से ये आप देखें ये भी लग चुका है। हैप्पी बर्थडे भी आपको मैं इधर लगा के दिखा देता हूँ।
तो ये जैसे मैं लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं ये भी लग गया है। आप जैसे और कोई भी लगा सकते हैं इफेक्ट वगैरह, जैसे फ्लिप स्क्रीन भी है जैसे ही। तो फ्रेंड आप ऐसे वीडियो को एडिट कर सकते हैं, इससे आप जो है ना वही जैसे टाइटल सॉन्ग वगैरह आप लगा के आपने जैसे भी वीडियो एडिट करनी है आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैं इधर से डाउनलोड करता हूँ और आपको लगा के दिखाता हूँ। तो इधर से आप जो है ना एलिमेंट भी सब कुछ आप लगा के जैसे आपने वीडियो एडिट करनी है, पबजी के लिए करनी है, यूट्यूब के लिए करनी है, आप इधर से वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ऐसे आप वीडियो एडिट करेंगे, तो ये मैंने वैसे थोड़ी बहुत एडिट की थी, एडिट नहीं वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी बहुत मैंने की थी एडिट वगैरह। तो वो इधर आप देख सकते हैं टाइटल भी आप लगा सकते हैं, इधर से ये वाला टाइटल है, जैसे जैसे आप इधर लगाना चाहते हैं टाइटल ये आप देख सकते हैं। इधर टाइटल पर आपने कुछ लिखना है तो आपने इस पर क्लिक करना है टाइटल पर। टाइटल पर क्लिक करने के बाद जैसे आपने एडिट प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इस पर क्लिक हो चुका है। आपने इस पर डबल टैप करना है, डबल टैप करने के बाद आपने जैसे जैसे मैं लिखता हूँ अपने चैनल का नाम टेक रॉक, आप इधर से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इधर से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इधर से दरमियान में कर सकते हैं, इधर से ऐसे कर सकते हैं, इधर से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला कलर ये आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो चुका है। तो इधर से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे इधर से ये आर्ट्स है ये आप चेंज कर सकते हैं, जैसे एनिमेशन आप लगा सकते हैं ये वाला एनिमेशन, ये वाला एनिमेशन भी आप लगा सकते हैं जो उनसे। वर्क आर्ट पर भी जैसे आप आर्ट चेंज कर सकते हैं, आर्ट के स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद मैं वीडियो प्ले करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं मैं शुरू से वीडियो को प्ले करता हूँ, तो ये आर्ट्स बन गया है। तो इधर से आप ये भी लगा सकते हैं बना के खुद, जैसे स्प्लिट स्क्रीन आप स्प्लिट स्क्रीन होल्ड से जो है एडिट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कैसी, जैसे ये वाली मैं डाउनलोड करता हूँ, ये वाली भी करता हूँ, ये डाउनलोड हो चुकी है। तो इधर से मैं इधर ले आता हूँ नीचे, तो इधर से मैं थोड़ी सी इधर करता हूँ और प्ले करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि प्ले हो रही है, इधर से प्ले हो चुकी है। इधर से हम इस पर ये भी वीडियो शीडियो भी लगा सकते हैं, यहाँ से ये वाली मैं इधर लगाता हूँ तो ये नहीं लगनी, तो ये वीडियो लग चुकी है इधर। तो जैसे इमेज भी मैं लगाता हूँ तो इमेज नहीं लगेगी, इमेज भी लग चुकी है। जैसे फिर मैं वीडियो लगाता हूँ, इधर से मैं फिर ईमेल लगाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि लग चुकी है इमेज वीडियो। और इधर से आप एनिमेशन भी इसका चेंज कर सकते हैं, वीडियो भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी इसका आप डिफरेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसे ओके करता हूँ, ओके करने के बाद इधर से ये एलिमेंट है, इधर से आप एलिमेंट भी लगा सकते हैं, इफेक्ट्स भी। जैसे ये वाला मैं डाउनलोड करता हूँ नीचे, जैसे ये वाला मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद इधर से आपने डबल टैप करके इधर नीचे ले आना है। अभी डाउनलोड हो रहा है, तो इधर 11 डाउनलोड हो चुके हैं, ये वाला डाउनलोड हुआ है, तो ये वाला भी डाउनलोड हो चुका है। मैं इसे नीचे इधर ले आता हूँ थोड़ा सा, तो ये आप देख सकते हैं कि वीडियो जो है जैसे मैं प्ले करता हूँ अब, तो ये दरमियान में ये लग चुका है। तो इधर से आप और कोई भी लगाना चाहते हैं तो आप इधर से लगा सकते हैं, जैसे ट्रांजिशन पर भी
आप क्लिक करके आप इधर से ट्रांजिशन भी लगवा सकते हैं, जैसे कोई भी डोनेट करके टाइटल भी आप डोनेट करके लगा सकते हैं। जैसे नीचे आता है या ये आप देख सकते हैं आपको कितने ज़्यादा टाइटल मिल चुके हैं। इधर से आप कोई भी लगा सकते हैं डोनेट करके। तो इधर से आइडियो पर भी आप कुछ भी जो है ना वो जो सा भी सॉन्ग आपको पसंद है आप ये वाला साउंड लगा सकते हैं, कोई भी साउंड आप लगा सकते हैं। तो इधर से स्टक मीडिया से भी आप जैसे ये वाला ये मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इधर मैं लगा लेता हूँ। जैसे ये वाला भी मैंने लगाए थे, तो ये वाला भी हम इधर लगा लेते हैं दरमियान में। ये वाला भी मैंने इधर लगा लिया दरमियान में। तो वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बीच में आप स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं, मुकम्मल वीडियो एडिट आप इधर से कर सकते हैं। इधर से ऊपर सर्च भी करके आपको जो स्टिकर लेना हो, गिफ्ट लेना हो, तो वो आप इधर से ऊपर से ले सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं आप इधर से, वीडियो एडिट आप कर सकते हैं। अब आपने एक्सपोर्ट कैसे करनी है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ये इधर ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सपोर्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एक्सपोर्ट विद वाटरमार्क, मैंने ये वाला वो वाला नहीं किया है, मैंने के इसको परचेज नहीं किया और ना इसका दूसरा वेरियन क्रैक वेरियन लिया, मैंने वैसे ही डाउनलोड किया। तो इधर से एक्सपोर्ट विद वाटरमार्क पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर से आपने सबसे पहले अपनी आईडी बना लेनी है, लॉगिन कर लेना। तो वो लॉगिन वगैरह करने के बाद आपने इधर एक्सपोर्ट कर देना। जैसे ये वाला मेरे पास क्रोम ब्राउज़र ये ओपन हो चुका है, तो जैसे मैं ब्लैक करता हूँ, इसको भी ब्लैक करता हूँ, ये वाला इसे मैं साइन इन करूँगा। अब इधर से मैं साइन इन करता हूँ, साइन इन हो चुका है, इसे हम बैक आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि साइन इन हो चुका। तो आप इधर से एक्सपोर्ट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं कि नहीं हुआ, तो मैं इसे कर देता हूँ। इसे मैं बाद में कर लूँगा। आपने जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करके जैसे ये वाला भी एक्सपोर्ट है, क्रिएट अ वीडियो एक्सपोर्ट टू डिवाइस, आप इधर से एक्सपोर्ट भी फिर भी कर सकते हैं। आपने अगर इस वीडियो को डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड करना है या कहीं इधर से वीमो पर अपलोड करना है, तो आप इधर से अपलोड है यूट्यूब पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट इधर वाटरमार्क, इधर से यूट्यूब आई डी का जो आपका ई मेल होगा वो लगाएंगे और इधर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब